हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस, और सुनो, कितना गुड इवनिंग सर। ठीक गुड इवनिंग कृष्णा, कैसे हो? हो सर? पर सर ये क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाती है बार बार। मैथ्स की क्लास छूट गई सर आज। अरे आज हो गई, एक्चुअली पता सर नहीं पिछली उन्होंने बार भी कर हो गई दिया, थी सर। मुझे भी नहीं पता ना एक्चुअली। मुझे तो उन्होंने कर दिया, मैं तो 6 बजे ही सोच के आया था, मुझे भी 6 बजे पिछली पता बार तो था मैंने भी नहीं देखा मैसेज। क्लास की टाइमिंग। यस सर, पिछली बार तो छूटी गई थी केमिस्ट्री की क्लास मेरी। हाँ पिछली बार तो माए भी नहीं थे, शायद कुणाल भी नहीं आया था पिछली बार, आई थिंक। यस सर, मेरी भी छूट गई थी, मैंने तो 6 बजे देखा था मैसेज। अच्छा, मैं तो चला गया था मैथ्स की कोचिंग। लौट किया है? यस सर, उसके बाद 5:30 बजे पता चला कि मैसेज आया था। अच्छा, मैथ कोचिंग ऑफलाइन में जाते हो क्या? यस सर, पास में ही है। तो क्या क्या पढ़ा दिया था मैंने? मैंने वो था, आज क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, है ना? तो पढ़ के आए हो एटॉमिक स्ट्रक्चर? तो लास्ट लास्ट में क्या हुआ था? वही मैंने सरफेस पढ़ाया था, ठीक है? यस सर। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। जैसा कि सोमिल आ गया, दिखता शायद कृष्णा, तुम आए तो लेट आए थे तुम शायद किसी नो सर, क्लास मैं आया ही नहीं था। में। किसने किसी ने बोला था कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रियांशु ने बोला था शायद। प्रियांशु आया, दीपांशु, हारिक, यस सर। तुम आए थे पिछली क्लास में? हाँ सर, नहीं आए छूट थे? गई तुम्हारी थी, छूट गई थी क्लास सर। भी छूट गई थे? सबके साथ यही हुआ है ना, बेडमना है ये। आज बोलता हूँ मैं फिर से इसकी बात की, क्लास सर का आज टाइम थोड़ा नहीं। मैसेज जल्दी आ गया था इसलिए पता चल गया, वरना आज भी छूट जाती। आज मैं मैसेज डालता हूँ उनको, अच्छे से बोलता हूँ तुम लोग, तो तुम्हें कॉल आ जाएगा। तुम लोग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए एलिजिबल हो जाना, ठीक है? तो तुम देना ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का, सिलेबस भी मिल जाएगा तुम्हें। मिल गया सर। मिल गया सिलेबस? ठीक है, तो पता ही है तुम्हें सिलेबस क्या क्या है, सारा कुछ दे दिया। और उसमें आई थिंक गलतियां भी नहीं होंगी, क्योंकि पेपर ही बहुत प्रूफ रीड होकर सब कुछ होके जा रहा है, और ध्यान से करना पेपर, ठीक है? तो चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों का केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं हुआ था पिछले साल। अच्छा, एक चैप्टर और बताना था यार। चलो अब मैं नेक्स्ट क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं क्वेश्चन ले आया हूँ एनवायरनमेंट में था वो। एनवायरमेंटल। ओके चलो, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है? एक दो लेक्चर में करा दूंगा, मैं दिमाग से स्किप हो गया एनवायरमेंटल का थोड़ा, मुझे उसमें बस थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल दिया है, थोड़ा सुन। एक्चुअली क्या वो याद रखने वाला चैप्टर है? कैसा है याद रखने वाला? अच्छा एक बात बताना, तुम लोग पढ़े हो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या? अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है पहले ये बताओ। सबसे पहले तो एटम, यदि मैं बोलूं एटम का स्ट्रक्चर, तुम किसे बोलोगे? बोलो, कोई बच्चा बताएगा? नहीं बताएगा? फिर भी क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बोलोगे? एटम का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को सिंपल सी बात है, आप कैसा भी बोल दो, जैसे मान लो आप प्लेनेटरी मोशन वाला बोल दो, सन के चारों प्लेनेट्स रोटेट कर रहे हैं, वही क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है। अच्छा कैथोड की डिस्कवरी किसने की थी, जल्दी बताओ, कैथोड की डिस्कवरी किसने की थी? बोलो जल्दी से। जे थॉमसन ने एनोड की। अच्छा जे थॉमसन ने क्या किया था? भूले, पढ़ के नहीं आया क्या? मैंने बोला था, रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी पिछले लेक्चर की तुम लोगों ने? जो कैथोड रेज होती हैं, ये कैसी होती, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिवली। फिर पॉजिटिवली। इसना आपने कैथोड पूछा था, कैथोड रेस पूछा था। कैथोड रेज,
करूँगा। कैथोड सुना दिया था। कैथोड भी निगेटिवली होता जब भी यस सर। निगेटिवली चार्ज। किसने, तुमने पिछली रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी क्या? नो सर, अभी तो नहीं देखी। और तुमने तारिक, हमने नो बोला भी सर, था अभी पढ़ नहीं के आना, देखा। हमने तो बोला भी था पढ़ के आना थोड़ा सा। अच्छा न्यूटॉन का डिस्कवरी कब हुआ था, बोलो। न्यूटॉन का डिस्कवरी के बारे में बताओ। चैडविक ने करा था। चैडविक ने किया था, ठीक है। अच्छा एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने किलोजूल होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? -19 जूल। मैं किलो, नहीं, मैं कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने किलो जूल पर मोल होते हैं बताओ। तो चलो जूल बता दिए, कितने पर मोल होते हैं, किलो जूल पर मोल। अच्छा एक बात आ रहा है, सिंपल सी बात, चलो तुमसे पूछते हैं। आपने पढ़ा होगा जब आपने वोल्टेज या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता था, क्यू इंटू डी होता था, बोलो। पढ़ा था कि मतलब मान लो ये आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है और यहाँ पे मान लो आपने बी बोल्ट लगाया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बी बोल्ट के साथ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती, क्यू क्रॉस बी होती थी, है ना। अच्छा एक बात आना, जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज क्या है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन पे इनटू बी, यही तो है। तो सिंपल से क्या बोल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि मान लो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किलो जूल पर मोल में, तो याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 96 किलो जूल पर मोल होते हैं। निकाल लो, तुम कैसे निकालोगे बताओ, आप खुद ही निकालो ना, बोलो कैसे निकालोगे। किलो जूल पर मोल निकालना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होते हैं, बोलो। तो अब तुम्हें पता है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये अब किसमें है, अभी हमें किसमें निकालना है, डिवाइड बाई किसमें निकालना है, किलो किलो में कन्वर्ट करना है, 10³ से डिवाइड कर दो, क्या हो गया, किलो जूल पर मोल आएगा। तो ये आप अप्रोक्सीमेट जो आती है वैल्यू, 96 किलो जूल पर मोल आती है, इसको याद रख लो बहुत अच्छे से। जैसे क्वेश्चन लिखो किसी पे, दे दें क्वेश्चन थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, यस सर। आपने लिया एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिकल लिखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल ले लिया सिंपल कितना, 20 वोल्ट। कैलकुलेट इन काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी किसमें करना है आपको, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, नंबर 2 है इसका आंसर निकाल इन जूल में भी निकालना है आपको, और एक और तीसरा वाला आपका क्वेश्चन वो है आपको किलो जूल पर मोल में भी निकालना, करो कैसे करोगे। अच्छा एक बात आना, क्वेश्चन डन कर लो, क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं। बताओ कैसे निकाला, किस किसने कर लिया, बोलो सर। किस किसने निकाल लिया, बोलो। हो गया अच्छा क्या किया तुमने बताओ। हाँ एनर्जी इज इक्वल टू क्यू भी होता है। बस हो वेरी गया। गुड, वेरी गुड। आसान है, कुछ है भी नहीं है, केवल मैं फॉर्मूला ही लगाना था, क्योंकि अब आपको पता था जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या था, इक्वल टू क्यू क्रॉस बी, ठीक है। अब क्यू क्या है, सिंपल आपका कितना था चार्ज, बोलो, आपको दिया हुआ था, एक मिनट, क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया हुआ, प्लेस्ड 20 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखो
इलेक्ट्रॉन ये दिया गया चार्ज इनटू बी वोल्टेज कितना पोटेंशियल कितना दिया गया 20, कितना आ गया ये सिंपल आ गया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया मतलब पहला देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है बोलो, आपसे पूछ रहा है जूल में बताओ इस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो आप तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल हो गया। अब आपको पता है अभी हमने बताया था आप अप्रोक्सीमेट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपका आता है कितने किलो जूल पर मोल आता है बोलो 96 किलो जूल पर मोल। अब आप क्या करोगे बताओ, कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी आपको, सीधा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था 96 इंटू 100 करते डायरेक्ट आ जाता 9600 किलो जूल पर मोल। अच्छा एक बात आना, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं? नहीं कर सकते थे ना, न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते थे, ये कैसे प्रूफ हुआ? सर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जब स्कैटरिंग हो गई थी तो पता चला था कि न्यूक्लियस जो है वो हाईली पॉजिटिव भी चार्ज है, तो वहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। है ना न्यूक्लियस ठीक है, अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? एक्चुअली आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जब अपन वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं वहां से तो वो लाइट की स्पीड से ज्यादा आती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि नेवर भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइट से ज्यादा स्पीड किसी के है नहीं, हम मानते ही नहीं है। मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी है 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर वो एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। सर रदरफोर्ड वाले से भी बोल सकते थे, रदरफोर्ड से कैसे आप सर, जैसे कि कुछ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए थे मतलब रिपेल कर गए थे, अगर उस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता तो अट्रैक्ट कर जाते। हम वो सब मान रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस तो वो चलो ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम थी, मैं से मान लो एक सिचुएशन ले ले आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम के पास भी है, आप कोई मेटल ले लो ना, मैं ये बोलूं न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों एग्जिस्ट नहीं करते थे? अरे क्योंकि वहां भी तो आपको बहुत सारे पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, एंटी न्यूट्रोनो न्यूट्रोनो है ना, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अच्छा जैसे मान लो आपको पूछा जाए एटम का यदि साइज पूछा जाए रेडियस ऑफ एटम तो कितना होता है, कोई बच्चा बताए रेडियस ऑफ एटम पूछा जाए तो आपको पता है ये एंगस्ट्रॉम में होता है ना 10⁻¹ सेंटीमीटर, यदि हम देखें 10⁻¹ मीटर। अच्छा यदि मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालता हूँ तो वॉल्यूम कैसे आएगा बोलो एटम का, तो सिंपल आपको पता है 4/3 πr³ क्या हो जाएगा 4/3 π × 10⁻¹³ ऐसे निकाल लोगे ना। ठीक है, अच्छा यदि मान लो आपसे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाए तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 1 फर्मी, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालो फर्मियोन्स के होते हैं उस नेचर के सिंपल, यदि हम बात करें तो कितना हुआ 10⁻¹³ सेंटीमीटर, और यदि हम इसको मीटर में करेंगे कितना आएगा 15 मीटर, मतलब 1 फर्मी, यही तो है। अच्छा एक बात आना, जैसे मान लो हमने ये ले लिया तो इसका भी आप निकाल सकते हो 4/3 क्या हो जाएगा पाई आर कितना होगा 10⁻¹⁵ का होल क्यूब। अच्छा यदि मान लो मैं वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कर दूं कितनी वैल्यू आएगी, बोलो 10⁻¹⁵।
10^15, वेरी गुड। तो मतलब आप एक चीज आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो कितने टाइम्स है, बोलो यहाँ पे। 15 × वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ही आ रहा है ठीक है। तो ये कभी कभी आपसे यहाँ पे कभी कभी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दे देगा, या ये पूछ लेगा तो वॉल्यूम ऑफ एटम पूछ लेगा। तो ये रेशियो याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आपका क्या है। अब यदि मीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में, वो रखोगे आपका आंसर आ जाएगा उसी हिसाब से, ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, कैसे निकालो, निकालो। कैसे कैसे कर रहे हो? रिलेशन होते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और मास नंबर का, मतलब उस कैसे, क्या रिलेशन लगाया? आर आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 1/3, वेरी बाई गुड थ्री हाँ वेरी ये गुड। यस सर तुम्हारा 3 फॉर मी आया। 3/3। अच्छा, तुम आर नॉट की वैल्यू कितनी ले रहे हो? एक्चुअली आर नॉट कांस्टेंट है ना, आर इक्वल टू जो होता है आर नॉट 1/1/3 होता है। और ए यहाँ पे क्या होता है, मास नंबर। ए यहाँ पे क्या होता है, मास नंबर। और आपको एक बात पता है कि जब आर इक्वल टू आप ले रहे हो तो आर रेडियस ऑफ क्या निकालना है, सिंपल ए रेडियस निकालना है। आप यहाँ पे जो आर नॉट की वैल्यू लेते हो वो आप कॉमन यदि लेना चाहो तो 4/3 × 10^-13 सेंटीमीटर लेते हैं इन कॉमन। यदि हम बेसेल ले तो सेंटीमीटर में लेते तो 1.1 × 10^13 से लेके हम लेते हैं 1.44 × 10^13 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। आप कोई भी ले लो इन कॉमन, आप ये वैल्यू ले लो, अब आपका सॉल्व हो जाएगा बड़ा आसान तरीके से। तो देखो कैसे होगा, आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 × 10^-13। अच्छा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन लो, 27 27 की पावर 1/3। अब बताओ 27 किसका क्यूब है, सॉरी किसका थ्री क्यूब है, 3 का। तो 4/3 × 10^-13, यही आंसर आया था क्या तुम लोगों का? ये आ गया सिंपल। मतलब आप किसी भी एटम की इससे क्या निकाल सकते हो, बोलो। आप रेडियस निकाल, न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हो, आप एल्यूमिनियम की निकाल सकते हो, मैग्नीशियम की निकाल सकते हो, किसी की भी निकाल सकते हो। लेकिन बस ये है कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा तो आसानी पड़ेगी कैलकुलेशन में, आसानी पड़ेगी। यदि परफेक्ट क्यूब नहीं मिलेगा थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस इतना अंतर हो जाएगा। सर ये सेंटीमीटर में है ना। हाँ, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि वैसे ही फर्मियोन्स का, मीटर में कर तो कितना आता, 4 × 10^15 मीटर। मीटर तो अच्छा, एक बात, रदरफोर्ड के मुझे ड्रॉबैक्स के बारे में बताओ, कोई कौन बताएगा? चलो कृष्णा तुम बताओ, तुमसे पूछ ले। क्या सर रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स के बारे में बताओ। जल्दी से सर, ये आर नॉट कांस्टेंट की वैल्यू यही लेंगे हम लोग। हाँ बेटा, यही ले लेंगे, यही ले लेंगे। सर एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाता ये। ठीक है, और दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं बता पाया था?
स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ही क्यों नहीं बताता है? सर रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होता है, तो इससे इसकी वजह से वो एक्सेलेरेटेड चार्ज हो जाएगा, और एक्सेलेरेटेड चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है, और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो मतलब उसका रेडियस कम होना चाहिए अगर उसकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब यदि हम ऐसा भी बोलते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इलेक्ट्रॉन है यस यस सर, वही तो बोला मैंने, वो एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है। बात सही ना, एक सिंपल शब्द बता रहा हूँ, ठीक है? तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन किस पे गिर जाएगा, एक टाइम बाद न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल ना, इट इज नॉट पॉसिबल। यदि ऐसा पॉसिबिलिटी होती तो क्या बताओ, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब यदि बात की जाए, रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और दूसरी बात यदि मैं बात पूछी जाए तुमसे, और रदरफोर्ड साहब यहाँ पे दूसरा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है? ये दो उनके ड्रॉबैक थे। यदि बात की जाए तो इनके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कौन साहब आए, बोहर साहब आए, नील्स बोहर आए। उन्होंने क्या किया, इसकी इनकी दोनों को क्या किया, सिंपल उन्हीं ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आए। उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे, वो क्या पोस्टुलेट थे, कोई बच्चा बताएगा? सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, ये भी तो नहीं बता पाए थे हाँ बता। अरे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड व्हाट इज द एटम, उनके अकॉर्डिंग एटम की डेफिनेशन क्या बनी थी, क्या था एटम बोलो, मतलब क्या था, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, कैसे उन्होंने बोला कि एटम हम कैसे सर बने? उन्होंने बताया था कि एटम में उसमें जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत एक छोटे से एरिया में कन्फाइंड है। सर ठीक है, वेरी गुड। फिर वैसे रदरफोर्ड ने ज्यादातर अपने एक्सपेरिमेंट तो उस प्रोटॉन के लिए किए थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के उसमें कुछ कहा नहीं था ऐसा, वो तो दूसरे साइंटिस्ट ने उनके उसमें ड्रॉबैक बताया था, तो उसमें रदरफोर्ड ने कहा था, पर रदरफोर्ड ने कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा था। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ये बात तो सही है। अब देखो, अब यदि मैं बात करूं सिंपल, तो ये बात तो आपको पता चल गई कि रदरफोर्ड साहब ने ये सब नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ये चीज ठीक है। आपके बोहर साहब आए, अच्छा तो बोहर साहब के और भी पोस्टुलेट थे। एक सबसे मेन पोस्टुलेट क्या था, जो एंगुलर मोमेंटम था इज परफेक्ट मल्टीपल ऑफ किसके था, ns/2π, एन एन पॉइंट टू फाइव, जहां पे एन एनर्जी क्या लेवल होता, क्वांटिफाइड तो एन क्या होता था, मतलब इंटीजर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होता था। अच्छा एक बात प्रिंसिपल क्वांटम आगे, नंबर। वेरी गुड। यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए, सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप मुझे ये बताओ, एक तो रिलेशन ये आया था MBR इक्वल टू NH अपॉन 2π, ठीक है, ये आया था एंगुलर मोमेंटम। एक और आया था, यदि आप जो सिंपल की हम बात करें, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो इनके बीच में जो एंगुलर, जो यदि मैं बात करूं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स याद है क्या होता है, सेंट्रीपिटल सेंटर के फोर्स टुवर्ड्स जो फोर्स लगते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल यस सर। फोर्स होता था, और वो किसके बराबर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव और एक यस सर। इलेक्ट्रॉन, इनके बीच के अट्रैक्शन के बारे में बता रहा था। तो सिंपल यदि आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, MB² / R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आया था, डिवाइड बाई R² यही आया, बोलो। यस सर। अच्छा इससे मुझे रेडियस का रिलेशन निकाल के दिखाओ, रदरफोर्ड ने रेडियस का क्या रिलेशन निकाला था, निकालो हरियर, करो तो ट्राई करो, रिवीजन होगा, देखो रिवीजन करने के लिए बैठे हैं अपन यहाँ पे, सीखने के लिए ही बैठे हैं, और सीखने के लिए
डन सर। हो गया क्लियर। चलो डन सर। वेरी गुड। कितना आया, क्या लेसन आया? सर आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो अपॉन में आर इज फोर इक्वल्स टू पाई। ए नॉट एन स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई एक बोलो। सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा, है ना? तो देखो यहाँ पे ये बात तो सही आ गई। अब तो यहाँ पे जब तुम्हें करना है तो आपको पता है, जब आप ये सब एन एच यहाँ पे भी आप देखोगे, जो आपका वैल्यू आई होगी आर इक्वल टू क्या ही बोलना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बोलो 4π² 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। के जेड ई स्क्वायर, ठीक है? ये आ गया। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो एन एन एच 2 पाई के एम जेड ई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? अब आपको बता दिया, हम इन सी सब की वैल्यू रखते हैं तो आर इक्वल टू जो निकल के आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर वाई जेड, है ना? एंगस्ट्रॉम में निकल के आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो एन होता है, ये जेड, जेड क्या है यहाँ पे? सिंपल एटॉमिक नंबर। एन क्या है यहाँ पे? सेल के बारे में बता रहा है। अच्छा जैसे मान लो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए आर की वैल्यू क्या होगी? 0.529 वन का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, कितना आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गया, बोलो हाँ ना? यही आएगा। तो ये चीज समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आप हर तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब आपको जैसे मान लो मैं एक सिंपल से ऐसे क्वेश्चन दे दूँ, जैसे क्वेश्चन लेना छोटा सा, कैलकुलेट रेडियस ऑफ, रेडियस फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, बताओ कैसे करोगे, निकालो बताओ हमसे। डन सर। डन, वेरी गुड। चल, और किसी ने कर लिया? सभी ने कर लिया हो तो आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। यस सर। एन इक्वल टू वन के लिए क्या हुआ, आर वन क्या हो जाएगा 0.529 इंटू वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, इक्वल टू यही आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। यस सर। जैसे मान लो एन इक्वल टू टू के लिए आर टू कितना आ जाएगा, 2.116। वेरी गुड, 2.116। मैं डायरेक्ट लिख दूं,
यस सर, ठीक है। N3 के लिए 4.761। 4.761 एंगस्ट्रॉम। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसी बात पे। अच्छा सा है, क्वेश्चन आ गया। कैलकुलेट रेशियो ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट बेरिलियम +3 आयन एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Li +2 आयन। तो 27/100 27/100। और कितना होने कर ली, हो गया सभी से? यस सर। सर बस 1 मिनट होने वाला। क्या आंसर है सर? 27/100। हो गया सर। हो गया। देखो कैसे करोगे, जब आप इसको करोगे तो बेरिलियम +3 के लिए क्या करोगे, आपको पता है जेड की वैल्यू क्या होती है, 4। और थर्ड की बात करें तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 3। R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.529 × 9/4, यही होगा 3 का स्क्वायर, है ना? अच्छा अब देखो, जब आपको पता है लिथियम +2 है तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। N की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, 5। तो सिंपल R5 क्या हो गया। (0.529 × 25/3) तो क्या हो जाएगा, अब आपको क्या निकालना है बोलो, रेशियो निकालना है, क्या हो जाएगा 9/4। ये कैंसिल ही हो जाएंगे ना दोनों, जब आप करोगे डिवाइड तो डिवाइड बाई 25/3 कितना हो जाएगा, नॉट 9/3 या 27 डिवाइड बाई 100। अब तो कर लोगे तुम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट
सरकमफेरेंस, डायमीटर एंड एरिया ऑफ फोर्थ ऑर्बिट बेरिलियम प्लस करो। ये हो गया, हो गया यस सर आसानी है, कुछ है ही नहीं उसमें। कैसे किया कौन बताएगा? सर रेडियस निकाल लिया फिर सब हो जाएगा। फिर तो सरकमफेरेंस भी आ जाएगा। देखो यदि हम देखते हैं, ध्यान समझना, रेडियस क्या है इनटू एन स्क्वायर बाई जेड, आपको फोर्थ ऑर्बिट दिया गया है, फोर का स्क्वायर 16 बाई फोर कितना हो गया, फोर जा 16। अब क्या आ जाएगा, डायमीटर भी आ जाएगा है ना, सरकमफ्रेंस भी आ जाएगा, एरिया भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें आपसे सिंपल, देखो क्लियर, आप निकाल लोगे ना जब रेडियस की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन लिखो, इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Li प्लस टू आयन इज एक्स, देन कैलकुलेट
रेडियस करो। कौन सा ऑर्बिट क्या है? कैलकुलेट रेडियस बोहर ऑर्बिट, सर कौन सा? हीलियम का पूछ रहा है ना, इसका सर कौन सा? मतलब हीलियम पूछ रहा है ना। तो वो भी फिफ्थ में है? हाँ फिफ्थ में पूछ रहा है ना वो, उसने दे दी ना फिफ्थ वाली दे दी, एक थर्ड वाली दे दी। अब वो कंपैरिजन पूछ रहा है ना, हीलियम के टर्म्स में बताओ, एफ्स के टर्म्स में। तो हीलियम का कौन सा ऑर्बिट है थर्ड? थर्ड है हाँ, इंसान मन से काम कर लो, कौन सा देता है। ये तो है, मैं क्या आजकल थोड़ा कम खा रहा हूँ, जूस वूस ज्यादा पी रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, हाँ लिक्विड में हम थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं आजकल हम, मतलब जैसे वेजिटेबल्स नहीं है ये सब। मतलब उसका कुछ तो ये एंटी है, उनको समोसा वो इसके वो अब मिल गया खाना ही तो, नहीं चाहिए। अब मिल गया तो खा लो अब। खाना नहीं चाहिए, पर आप नहीं इसी मजाक नहीं करो। देखो फिर वही वाली बात, एक एक हफ्ते की मेहनत होता है, एक समोसे खराब हो जाती है। ही खाएंगे हम, दो नहीं खाएंगे वैसे भी। डन सर। नहीं खाते तो एक भी, नहीं खाते खाए तो नहीं अब खाते। फिर वो क्या आप मुझे जी लाए थे तो फिर बच्चे ना तब क्या लोग खाए नहीं, वो बड़े काम का। ये बात सही है, बढ़ रहा है कुछ। क्लियर हो गया, अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। रेडियस एक काम करो, थर्ड कर लो इसको, अब हो जाएगा ये। यही बोल रहे थे ट्वेंटी क्या, सेवन एक्स बाय फिफ्टी कितना 27x बाय 50 बोल रहा था, अपने फिफ्थ करो बता दिया। अब करो बात की। ट्वेंटी सेवन एक्स बाय 50
गया, सभी से हो गया, नाल के अलावा के सभी से हो गया। अच्छा कितना आया आंसर, कितना कितना आया देखो। मेरा नहीं हुआ अभी। तुम एल आई प्लस टू ले रहे हो तो जेड इक्वल टू क्या होता है, थ्री एन इक्वल टू फाइव, आर फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.529 इंटू फाइव स्क्वायर बाई थ्री, तो कितना हो गया इक्वल टू एक्स। यहाँ पे 0.529 की वैल्यू निकालो कितनी आएगी बोलो। अच्छा ये तो एक्स दिया ही गया इक्वल टू, एक काम करो अभी हम 0.529 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ। तो आपको हीलियम के लिए दिया गया जेड इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, तो कितना है 0.529 इंटू थ्री स्क्वायर बाई टू। अब एक बात समझना, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे 0.529 की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 3x/25 यही आएगी, सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, यस सर। 3x/25 इंटू 9/2, 20x/ सिंपल हो गया। आप बताओ क्लियर सभी को यहाँ पे। अच्छा यस सर। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ निकालोगे, मतलब हॉर्स की वेलोसिटी निकाल के दिखाओ कोई बच्चा कैसे निकालेगा। करो 2 मिनट का टाइम दिया तुम्हें मैंने, करो जल्दी से। डन सर। हो गया कितनी आई वेलोसिटी बोलो। सर रीडर्स आया था उसको MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π में डाल लेंगे। ठीक है वेरी गुड। तो जो यदि हम बात करें, वेरी गुड, बस हमें बस मैथड ही जानना था। तो यदि हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें सबने पढ़ाया होगा, एक चैप्टर पढ़ा दिया सब यस सर। ये सब अभी अच्छे आता, अभी तुमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, अब रिवीजन हो गया है। सेंटीमीटर पर सेकेंड, सर पहले के चैप्टर तो पढ़ेंगे तो 11th में थे। अच्छा तो यहाँ भी पढ़ा होगा ना, ये सबने पढ़ाया होगा एटम्स मॉलिक्यूल्स में, एटम्स एंड न्यूक्लियस जी यस सर। सब पढ़ाया होगा दोबारा पूरी। उन्होंने तो और ज्यादा, उन्होंने तो फ्रिक्वेंसी भी निकलवाई होगी, टाइम पीरियड भी निकलवाया होगा। फिजिक्स में नहीं हुआ अभी सर, अच्छा भी नहीं हुआ, फिजिक्स में नहीं, 11th में कह रहा हूँ। अच्छा फिजिक्स में भी होगा, वो तो हमसे ज्यादा पढ़ाता है।
यस सर, उसमें ज्यादा है। हाँ कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट Li2+ आयन, तो जेड इक्वल टू, चलो करो, सॉरी सॉरी कर रहा हूँ, चलो करो, कैसे करो, क्यों एटॉमिक नंबर आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा जैसे मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दिया, एन की वैल्यू क्या होगी, तो किसना यस सर, क्या होगी एन की वैल्यू, यानी मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दिया, टू होगी शायद। वेरी हो गया ये तो आसान है, कुछ करना ही नहीं था यार, जेड इक्वल टू 3 पुट करो, एन इक्वल टू 3 पुट करो, आंसर आ जाएगा B3 आ जाएगा ना, बोलो यस सिंपल, B3 कितना आएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा आपको, टू उतना ही आ जाएगा, सर, टू पॉइंट वन यही एट टेन रेस टू द पावर एट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, थोड़ा सा भी आसान वही करते हैं, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम आयन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, वन पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन टू पावर एट। सर क्या हो गया, क्या आंसर है सर? इसका आंसर है, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे तो करना पड़ेगा, मुझे आंसर नहीं पता, तो कैसे करोगे, मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, मतलब आसान जिस टाइप से पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा लगता है, बस एन की वैल्यू 5-6 रख लो बस, और तो सब सेम ही है, यस सर, और जेड की वैल्यू कितनी रखोगे, 4 बस रख दो, जेड था, जेड कितना सर था, 1.45 इंटू 10 रेस टू द पावर 8। अच्छा 1.45, कितना जेड की वैल्यू कितनी पहले बताओ, 4 अच्छा जेड की वैल्यू 4 है, चलो तो रखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही होगा, तो कितना आएगा 2.18 इंटू 2/3, सॉल्व कर लोगे इसको, इंटू 10 टू दी पावर कितना था 8, और कर लेना, यही किया हो, यस सर, 1.45 इंटू 10 रेस टू द पावर 8 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ द बेरिलियम
और वे हीलियम प्लस आयन, बताओ क्या होगा, 8 to 15 कितना होगा? 8 by है 15 नहीं, थोड़ा सोच के करो। 4 by 5 वेरी गुड, 4 by 5 होगा ना बेटा, समझ में आया ये बात? 4 by 5 भी क्यों आएगा बेटा, 6 by 5 आएगा, अभी भी गलत बता रहे। 8 to 15 होते हैं। क्या कर रहे हो वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ बेरिलियम प्लस 3 का कैसे निकाल लो बोलो? 2.18 इंटू 10 to the power 8 बोलो, इंटू कितना हो रहा है, ये कितना है? 4। 4 by 5, अब डिवाइड बाई किससे करना है, हीलियम के, कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10 to the power 8 इंटू 2 by 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो? 12 by 10, 6 by 5 आ रहा है ना? यस सर, यस सर। एक ट्रिक बता दे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए आप कुछ मत करो, ये फॉर्मूला याद रख लो, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात आओ, आपने सब कुछ पढ़ लिया ठीक है, वर्क फंक्शन सब पता है आपको, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, ई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एच न्यू पढ़ा होगा, यहाँ पे न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा आ गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो पहले, अच्छा सर फिर से उसी के बेसिस पे क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग, अभी तुम्हें आसान दिया है लुक कर कैसे हो, आप मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना, इसको आप मुझे जूल में भी बताना आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताना, किलो जूल पर मोल में भी बताना, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है आपने पढ़ा हो शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करने का क्वेश्चन? 1 to 5 to 2 by lambda 1 to 5 सर वेरी कर सकता है, 5 4 ले सकते हैं, 1 to 5 4 by lambda जाते हैं ना आंसर का एनर्जी, एच सी की वैल्यू 1 to 5 4 आती है ना लगभग, और अगर लैम्डा को नैनोमीटर में ले लेंगे, मैं जो चीज करा हूँ हो गया आंसर, ये हो गया क्वेश्चन,
इसका आंसर क्या आ रहा है? मुझे नहीं पता बेटा, आई डोंट नो। सर 6.6 × 10⁻¹⁹ जूल। चलो देख 6.6 ठीक, ये कुछ सही लग रहा मुझे। जो आपको पता E इक्वल टू क्या है, एससी अपॉन लैम्डा 6.6 × 10⁻¹⁴ इंटू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 3 × 10⁻¹⁷। अब आपको पता है ये तो आपको दे दिया सिंपल एनर्जी, ठीक है। अब जब आपको ये एनर्जी दे दी है, अब आपको पता है एससी अपॉन लैम्डा में दे दी, अब आप क्या करोगे बोलो? यहां पे बोलो, अब बता, आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। और जूल में आ रहा है 6.6 × 10⁻¹⁹ जूल में आ जाएगा तो सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप बोलो? आप डिवाइड कर देना 1.6 × 10⁻¹⁹ से, इसको डिवाइड कर दो तो किसमें आएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 96 किलो जूल पर मोल होता है। जो भी आए उससे मल्टीप्लाई कर देना आप, आंसर आता है। चलो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज। आप यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट करना, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, हाँ चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी करना, और फिर आप इसको मुझे किलो जूल पर मोल में भी कैलकुलेट करना। सर क्या आंसर है? उसका आंसर
इसका आंसर आ रहा है 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे करोगे बोलो? ये तो डायरेक्ट ही है, आपको न्यू दे दिया था तो आप सिंपल मैन इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। यस इधर कर सर, लो, यही कह 6 × 10⁻³ इंटू न्यू कितना है, 2 × 10⁻¹⁵। आप सॉल्व कर सर, लो ये था इसको, 1.32 × 10⁻¹⁸ आ गया। कितना है, 1.32 × 10⁻¹⁸ जूल आ गया। तो बस इसको यस सर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किससे, 1.6 से। कितना आ रहा था फिर, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आप इसको ऐसा लिख लेते, 13.2 × 10⁻¹⁹ कर लेते हैं। बोलो यस सर, तो ज़्यादा सही रहेगा। कितना आ रहा है, बोलो। जल्दी बताओ, 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8.2। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 96 से, हो जाएगा जो भी आएगा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब शॉर्ट ट्रिक आप करते हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यदि मान लो आपको एनर्जी है, ठीक है, आपको जैसे मान लो आपने मल्टी इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, 6.63 × 10⁻¹⁴, जी की भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, 3 × 10⁻¹। फॉर्मूला नहीं आया आज, डिवाइड बाय लैम्डा, फॉर्मूला आया नहीं आज। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 पॉइंट कितना आ रहा है, 6 19.8 के आया है, ठीक है ना। × 10⁻¹⁵ कितना आएगा, 26 डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा लैम्डा। ये तो किसमें आया, जूल में आया ना। अब यदि एंगस्ट्रॉम में करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो। एंगस्ट्रॉम में तो 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, जब -10 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, बोलो। सॉल्व करो उसको, क्या आएगा, ऊपर जाएगा 10⁻¹⁹, कितना हो जाएगा 15। इस काम करो, इसको ऐसा कर दो, 1.98 × 10⁻¹⁵ डिवाइड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम। आप इसमें रखोगे तो हमेशा क्या, जूल में आएगा आंसर। अब यदि मान लो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है किसी को, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए आप क्या करोगे, 1.98 × 10⁻¹⁵ को आप जब डिवाइड करेंगे कितने से, बोलो। एक तो आपको एक ट्रिक पता लगेगी, याद रख लोगे डायरेक्ट आंसर आया, यदि एंगस्ट्रॉम में दिया गया लैम्डा, ठीक है, इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कितना आएगा, ई आ जाएगा सिंपल 1.24, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1.24 × 10⁻¹⁴ डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ई इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 12,400, लेकिन ये कैसा दिया है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया जाए, सिंपल बस आपका निकल के आ जाएगा इस तरीके से। अब आप स्लैब, आप एक क्वेश्चन देखो, आप सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन देखना, मैं दे रहा हूँ आपको, ये लिखा हुआ, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ, लिखो क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम,
सॉरी 4100 टाइम्स कम करो, कैसे करोगे? अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी अच्छा। इसको यदि मान लो आप किलो जूल पर मोल में निकाल रहे हो तो कितना आता? लगभग 0.03 आ जाता। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आएगा ना, किलो जूल नाइन्टी पर सिक्स डिवाइड कर देंगे ना मल्टीप्लाई करोगे 3 इलेक्ट्रॉन तो वोल्ट का। मल्टीप्लाई। यस यदि हम यहाँ पे बात करें तो देखो क्या होगा, तो सीधा सीधा हो रहा है, तो 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। आपने पहले कन्वर्ट कर लिया था एंगस्ट्रॉम में, तो ठीक है, तो 12400 सिंपल आपको 4100 से डिवाइड करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग आ जाएगा। 3 × 96 कर दोगे कितना? 3 6 18 कैरी आई 1, 3 9 27 और 128 पर मोल आ गया। बोलो। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन करते हो इसी टाइप का। जैसे मान लो, अब देखो आप इससे करोगे इस मेथड तो आसानी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन मिल जाए, फिर से कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ 310 नैनोमीटर विच आर रिक्वायर टू ऑब्टेन एनर्जी ऑफ 2 × 10⁵ जूल। करो कैसे करोगे?
गया कुणाल, किसना? 3 × 10 इज 23 फोटॉन्स। वेरी गुड। देखो यहां पे कैसे करोगे, एक बात आओ, यदि हम बात करें 310 नैनोमीटर है, ठीक है, जो लैम्डा है 310 नैनोमीटर है। अच्छा, यदि हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होता है, जैसे मान लो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट होना करना, तो कुछ नहीं करना होता, मैं सिंपल नैनोमीटर इंटू 10 कर दो बस, ये किस में आ जाएगा बोलो, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। कितने नैनोमीटर है, 310 इंटू 10 कर दो, कितना आ जाएगा, 3100 नैनोमीटर। अब हो गया सॉल्व। अब आपको सर पता, सॉरी एंगस्ट्रॉम। सॉरी सॉरी, एंगस्ट्रॉम। लो तो ये एंगस्ट्रॉम में आ गया। अब एक बात आना, जब ये एंगस्ट्रॉम में आ गया तो ई इक्वल टू क्या है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा ये बड़ा है, हम सोचे क्वेश्चन ही करा देते सभी अच्छे अच्छे लेवल के। एक क्वेश्चन आया था, चलो मैं अभी नेक्स्ट अभी कराएंगे उस क्वेश्चन को भी, यदि टाइम मिल गया तो करा दूंगा। क्लास तो नहीं है तुम्हारी 6 बजे से? तो देखो, नहीं है सर। तो यहां पे समझना, एन एच सी अपॉन लैम्डा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁵। अच्छा, एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी, 12,400, यदि याद हो तुम्हें, डिवाइड बाई एंगस्ट्रॉम में लैम्डा आ गया। अच्छा, किसमें पूछ रहा है ये, यही हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, तो हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू निकाल लें यहां से, जैसे ही एन की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा आप बोलो भाई, यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ, सो क्या आंसर था? आंसर उसका 3.1 × 10⁻²। आंसर आ रहा यस सर, यही है। है वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम। करो, टू वेरी गुड।
देखो कैसे करोगे, ई वन इक्वल टू क्या हो, कुछ करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, एस सी अपॉन लेमडा वन इक्वल टू एस सी अपॉन कितना हो जाएगा 2000, ई टू क्या हो जाएगा एस सी अपॉन लेमडा टू एस सी अपॉन 4000, ठीक है। तो ई वन अपॉन ई टू कर दो कितना हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई 2000, सिंपल क्या आ गया, टू आ गया, एस सी एस सी कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो जेई में भी जो अधिकतर जेई के क्वेश्चन एम्स में आए और एम्स में भी आया, अधिकतर जितने जेई में क्वेश्चन आए वो सारे एम्स में आए, मैक्सिमम आप उठा के देखना, इसलिए बोला जाता वही क्वेश्चन किस में आते नीट में आ रहे, इसलिए बोला जाता नीट वालों से कि ये जेई मेंस की यदि टाइम मिल जाए तो पी वाई क्यू कर लो, ठीक है। तो कैलकुलेट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। सर अगर जैसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू में याद नहीं है तो वो गिवन होगी ना उधर, क्या वो तो गिवन होगी, लेकिन फिर भी याद रख लो ना। हेलो यस सर, है याद है वैसे। थैंक्स टॉम, पहली बात तो गिवन होती, हर चीज गिवन नहीं होती ना, कभी-कभी नहीं दी तब क्या है। करो इस क्वेश्चन, करो ये अच्छा क्वेश्चन। फाइव वो मुझे आंसर नहीं पता इसका, यार देख लो तुम, मुझे आंसर पता। हो गया,
देखो एक बात आओ, 60 वॉट है, ठीक है? आपको पता है वॉट क्या होती है? पावर, पावर, पावर की यूनिट ही तो होती है वॉट, बोलो। और आपको पता है पावर किसमें होता है? जूल पर सेकेंड। तो 60 वॉट लग रही, तो कितना और 60 जूल ऑफ एनर्जी है लग रही पर सेकेंड, यही यही तो बोलेंगे हम, बोलो। तो हम सिंपल E इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 60 × 1, मतलब क्या आ गया, ये एनर्जी आ गई। अब हो जाएगा N इंटू 12,400 डिवाइड बाई सिंपल आपका 2000 इंटू 1.6 × 10⁻¹। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन और देते हैं होमवर्क में, इसी टाइप का बोलो, करोगे? यस सर, अभी कर लेते हैं। लिखो कैलकुलेट यस सर, अभी कर लेते हैं, अभी तो टाइम है। नंबर ऑफ फोटॉन्स, मेरी क्लास है ना, एमिटेड बाय ए बल्ब ऑफ 100 वॉट हैविंग, करो इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, हैविंग इफिशियंसी 80% इन 10 मिनट एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऑफ फोटोन इज 310 नैनोमीटर, बताओ क्या होगा? तो पिछले वाले का आंसर क्या था? पिछले वाले का आंसर कितना था कुणाल? मेरे पास आंसर नहीं कौन से है वाले का? पिछले वाले, ऊपर वाले का। सुनर तो 5 × 10⁻¹⁹ आ रहा है तो सॉल्व कर लेना जो आ जाएगा सर। मेरा वो। 6 × 10⁻¹⁹। हम ही सॉल्व कर देंगे फिर। तो मेरा भी 6 आ रहा है। सिक्स आ मेरा भी रहा 6 हो रहा है, ऑलमोस्ट 5.8 आया था। यस सर, अप्रॉक्सीमेटली 6 आ रहा है। देख लो कहीं तुमने अप्रोक्सीमेशन ज्यादा ले लिया हो। मिस्टर मेरा ही गलत होगा। एक बार चेक कर लेना ना हो। यस सर। तो 73 × 10⁻²⁰ अप्रॉक्स में कैलकुलेट कर। 7.5। हाँ ऐसे ही 73 कैसे। ठीक कर लोगे ना सिंपल। आपको क्या करना है, एनर्जी करना है, तो 100 × 80/100 कर लो, परसेंट मिल रहा है, इंटू कितना सेकंड है, 10 मिनट, 10 × 60 कर लो, तो सॉल्व कर लो इसको, जो जो आएगी एनर्जी जूल में आ जाएगी, उसको बस रख के एन की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लोगे उसकी, जो एन की वैल्यू आएगी वो सिंपल आएगी आपकी 7.5 × 10⁻²। ठीक है, तो कर लेना, नेक्स्ट क्लास में थोड़े बहुत क्वेश्चंस की और कराऊंगा, ठीक है? अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी पे इस पे क्वेश्चंस करा देंगे, यहाँ पे थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, थोड़ा पढ़ के और एक बार रिवाइज करके आओ एटम स्ट्रक्चर, ठीक है? क्वांटम नंबर पे करा देंगे, और उसके बाद में पीरियोडिक टेबल पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? अच्छे, उसके बाद एनवायरमेंटल करा दें। और इन्वायरमेंटली यस कराते सर। हैं, थोड़ा सा ही वो चैप्टर छोटा सा है, उसमें कुछ नहीं है, वो तुमने अच्छा वही करा देंगे, इसके बाद पहले इन्वायरमेंटल कराएंगे रिविजन में, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। गुड इवनिंग सर।